हेलो रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे एक्सप्लेन यू पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन बाय मॉड रूबिन। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन मींस एक बात करने वाले पंखे का रहस्य। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? इफ इट इज नॉइजी, यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। आप जिस रूम में बैठे हैं, क्या उसमें छत पर पंखा लगा हुआ है? सीलिंग फैन कहते हैं जो छत पर पंखा लगा हुआ होता है उसे। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? तो जो फैन चल रहा है वो शोर करते हुए चल रहा है या चुपचाप चल रहा है? इफ़ इट इज़ नॉइजी, अगर वो शोर कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो आप ये जो टॉकिंग फैन पोएम है इससे आप इसको उसको उस आवाज़ को रिलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Once there was a talking fan, electrical his chatter, I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled, he ran as still as water. A poet कहते हैं कि एक बार एक बोलने वाला पंखा था, टॉकिंग फैन था, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और जो वो आवाज़ करता था, जो वो बोलता था, या चैटर को कहते हैं बकबक करना, तो जो वो बकबक करता था वो इलेक्ट्रिकल करता था, मींस वो बिजली से करता था। आई कुडंट क्वाइट हेयर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर। आगे वो कहते हैं कि मुझे वो जो भी कहता था मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है वो उस इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मुझे समझ में आए ना आए, तो इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बिकॉज वन डे समबड़ी ऑयल्ड हिज लिटल वर्लिंग मोटर, क्योंकि एक दिन कोई ना कोई उसकी जो छोटी सी घुमावदार मोटर है, वर्लिंग मीन्स घुमावदार, तो जो छोटी सी घूमती हुई घुमावदार मोटर है उसमें ऑयलिंग कर देगा, उसमें तेल लगा देगा। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और जो उसका बोलने का जो रहस्य है वो ख़त्म हो जाएगा। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, क्योंकि वो पानी की तरह बिल्कुल शांत चलेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल चीज़ में अगर ऑयलिंग कर दो तो वो अगर कुछ आवाज़ कर रहा हो तो वो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, तो इसीलिए ऐसा पोएट ने कहा है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।